मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर जिले के पत्थलगांव में आयोजित संस्कृति गौरव मान एवं अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के रायगढ़ जिले के ग्राम लिप्ति स्थित शासकीय हाई स्कूल मैदान हेलीपैड पहुंचने पर जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने उनका आत्मीय स्वागत किया, जिसके पश्चात मुख्यमंत्री श्री साय पत्थलगांव विकास खंड के किलकिला शिव मंदिर पहुँचे, जहाँ शिव मंदिर प्रांगण में आयोजित संस्कृति गौरव मान और अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। सीएम साय के साथ सांसद बृजमोहन अग्रवाल, महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी मौजूद रहे। लोग स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी की 11वीं पुण्यतिथि मनाने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। मैं सबसे पहले स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी को मैं सत सत नमन करता हूँ, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी मेरे राजनीतिक गुरु रहे, उन्हीं का उंगली पकड़कर हम राजनीति सीखे और आज राजनीति में जो मुकाम हासिल किए, कई बार विधायक बनाए, सांसद बनाए, प्रदेश अध्यक्ष का भी दायित्व मिला, केंद्र में भी मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला, आज मुख्यमंत्री के रूप में भी दायित्व मिला है। तो आज ऋषि मुनि संतों के साथ साथ स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। 25 साल उनके साथ राजनीति में हम काम किए, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति थे जो बोलते हैं कि भूतो न भविष्यति, भविष्य मतलब कभी हुए न कभी आगे होंगे, ऐसा वो एक सिंगल व्यक्ति थे। वो देखने में, डील डॉल में, व्यवहार में 25 साल हम उनके साथ काम किए, कभी उनको नाराज होते नहीं देखे, किसी के ऊपर ऊंची बात, कठोर बात करते नहीं देखे। और एक बार जो उनसे मिल लेते थे, उनका मेमोरी इतना तेज था कि उनका नाम वो नहीं भूलते थे। एक बार मिलने के बाद सदैव वो उनके हो जाते थे। ऐसे दिव्य पुरुष श्री दिलीप सिंह जुदेव जी, जो हिंदू कुल तिलक थे, जो घर वापसी कार्यक्रम के नायक थे, आज यहाँ पर कृष्ण कुमार राय जी हैं और उनके समक्ष और बहुत नेता लोग हैं जो हमारे इस क्षेत्र में जोरों से धर्मांतरण होता था, गौ हत्या होती थी, जिसके विरोध में कुमार साहब के नेतृत्व में दर्जनों कई कई किलोमीटर का, 15-15, 20-20 किलोमीटर का पदयात्रा किए, धरना प्रदर्शन किए, तब जाके हमारा ये जसपुर क्षेत्र सुरक्षित है। तो ऐसे दिलीप सिंह जुदेव जी को मैं पुनः सत सत प्रणाम करता हूं और आज उनकी पुण्यतिथि है। क्षेत्र के विधायक के तरफ से मांग आया है कि पत्थलगांव में एक उनका बड़ा स्टेचू होना चाहिए, एक बहुत बड़ा स्टेचू उनका पत्थलगांव के अंदर में बनाएंगे, इसकी मैं घोषणा करता हूं। और उनकी जयंती को हम लोग अच्छे से छत्तीसगढ़ में मनाएंगे, इसके लिए भी सरकार अच्छा से सोचकर कोई कार्यक्रम लाएगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। क्योंकि समय बहुत कम है, हम लोग का रायपुर में 3 बजे एक कार्यक्रम है, 2:30 यहाँ बज रहा है और एक और कार्यक्रम है, इसलिए ज्यादा नहीं कहते हुए यहाँ पर मंदिर के पवित्र धाम में हम लोग हैं और ये जो किलकिला धाम है, हजारों लाखों लोगों का आस्था का ये केंद्र है। आज यहाँ का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर में है, किलेश्वर महादेव का, कपिल बाबा का, आज हम लोग इस मुकाम पर हैं तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो इधर मंदिर समिति से कुछ मांग आई है, तो मैं आज के इस अवसर में
यहाँ पर एक प्रवेश द्वार भव्य बने इसकी घोषणा करता हूँ। मंदिर परिसर का बाउंड्री वॉल अच्छा बने उसकी घोषणा करता हूँ। मंदिर का सौंदर्यीकरण हो उसकी घोषणा करता हूँ। मंदिर परिसर में सोलर लाइट हो जगमगाए उसकी मैं घोषणा करता हूँ। यहाँ पर सांस्कृतिक भवन और गौशाला का उन्नयन हो इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। और यहाँ पर मांड नदी मंदिर के से लगा हुआ है, एनीकट है, काफी वहां पर जल भराव रहता है और यही मांड नदी है जो पत्थल गांव को पानी पिला रहा है। मैं जब पहली बार सांसद बना और इस देश में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने उस समय पत्थल गांव नगर पंचायत हम लोग जीते थे, दुलार साहब जी अध्यक्ष थे और हम अटल जी से पैसा लेकर आए थे। यह मांड नदी से पत्थल गांव 14 किलोमीटर यहां से 11 या 14 किलोमीटर है, यहां से पानी फिल्टर होके पत्थल गांव के लोगों को मिल रहा है। तो ऐसे मांड नदी में जल भराव है तो वहां पर उसका भी सौंदर्यीकरण हो, घाट का निर्माण हो इसकी मैं घोषणा करता हूं। और क्षेत्रीय विधायक के तरफ से भी कई मांग है। एक तो ये पत्थल गांव काफी बड़ा क्षेत्र है, व्यापारिक केंद्र भी है और आज नगर पंचायत है तो नगर पंचायत से नगर पालिका की मैं घोषणा करता हूं।